it really makes your skin look flawless. It gives a very, क्या बोल रही हूँ मैं. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ comparison between high end product and drugstore product. तो बाय द टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किन दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने वाली हूँ एक दूसरे के साथ. ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हाई टेम, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं ये प्रोडक्ट. मैं कंपेयर करने वाली हूँ इन दोनों प्रोडक्ट्स को. ये जानी मानी पहचानी स्ट्रोबिंग क्रीम्स हैं इन द मार्केट. वन इज हाई एंड एंड अदर वन इज ड्रग स्टोर ऑप्शन. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, कंपेयर करते हैं एंड अपना ओपिनियन देती हूँ मैं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा. होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई बी शोइंग यू दैट हाउ आई यूज दिस प्रोडक्ट्स ऑन माई स्किन. सो लेफ्ट साइड पे मैं लगाऊंगी मैक्स स्ट्रोब क्रीम एंड दिस स्ट्रोब क्रीम इज रियली रियली गुड फॉर एवरीडे बेसिस. एंड ऑन द अदर साइड आई बी यूजिंग द मेबेलिन इल्यूमिनेटर स्ट्रोबिंग क्रीम. तो आप देख सकते हैं इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. Now my foundation is done and I'll be showing you that how I use strobe cream on top of my foundation. जब आप इसको लगाएंगे वो stickiness, वो creaminess आपके face पे वो रहेगी. But जब आप Maybelline की illuminator लगाएंगे वो बिल्कुल आपकी skin में blend हो जाएगा and it will give you a kind of powder texture. But MAC में आपको कोई powder texture नहीं मिलेगा, आपको वो creaminess, वो stickiness वो रहेगी and Maybelline में बिल्कुल smooth, it will blend into your skin. Then I'll be using this powder highlighter as a topper. और ये बहुत ही अच्छा intensify कर दिया इसने, और ज़्यादा intensify किया in fact, क्योंकि वो थोड़ा subtle look दे रहा था and now this is giving a very very intense look. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी packaging के बारे में. तो ये जो packaging है ये आप देख रहे हैं squeeze tube form में इसकी packaging आती है. ये है मैक स्ट्रोब क्रीम और मेरा शेड है इसमें पिंक लाइट. और ये आती है मेबेलिन की फेस स्टूडियो स्ट्रोबिंग लिक्विड क्रीम और जो मेरा शेड है वो है न्यूड. हम मैक की बात करें तो मैक में ये मेरे पास छोटा मिनी वर्जन है, मेरे पास इसमें बड़ा वर्जन भी है. बट अगर आप नायका पे देखोगे तो नायका पे आपको मैक स्ट्रोब क्रीम का छोटा वर्जन सिर्फ एक ही शेड में मिलेगा, वो है शेड पिंक लाइट जो कि मेरे पास है. और इसमें बड़ा वाला जो वर्जन आता है, जो बड़ी ट्यूब्स आती हैं, उसमें चार शेड्स आपको मिलेंगे. पीच लाइट, सिल्वर लाइट, पिंक लाइट एंड गोल्ड लाइट, आपको ये चार शेड्स मिलेंगे बिगर ट्यूब्स में. तो इस तरीके की इसकी ये पैकेजिंग है. स्क्वीजी फॉर्म में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हो. और ये जो प्रोडक्ट है ये है 30 ml प्रोडक्ट. आपको मिनी वर्जन इसमें मिल जाएगा 30 ml में अराउंड 1050 rupees. जो बड़ा वाला है वो आपको आई थिंक अराउंड 25 to 3000 के बीच में मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है. बट छोटा वर्जन आपको 30 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको 1050-1100 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा. तो अगर हम बात करें मेबेलिन फेस स्टूडियो स्ट्रोबिंग लिक्विड क्रीम के बारे में, इसमें दो शेड्स आते हैं, इसमें कोई छोटा नहीं है. आई थिंक ये डिसेंट अमाउंट इसमें आपको मिल जाएगा. इसमें जो दूसरा शेड है वो है पिंक. मैंने शेड लिया है न्यूड जो कि थोड़ा सा मेरे स्किन से थोड़ा सा हल्का डार्क है. बट मुझे इस शेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये समर एप्रोप्रिएट शेड है मेरी स्किन के लिए. क्योंकि अगर मुझे टैंड लुक चाहिए तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ. बट आप देख सकते हो मैंने इसको लगाया है ऑन माय दिस साइड एंड स्टिल इट लुक्स रियली रियली गुड. इनिशियली जब आप इसको स्किन में लगाओगे तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि डार्क है, बट स्टिल इट विल एब्जॉर्ब इन टू योर स्किन एंड इट विल मेक योर स्किन लुक फ्लॉलेस एंड गुड. इट विल प्रोवाइड गुड ड्यूइनेस टू योर फेस. अगर हम कंपेयर करें कि कौन सा चीप है, ये चीप है कि ये चीप है, ऑब्वियसली ये चीप है क्योंकि इसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिल रहा है 1050 rupees में और इसमें आपको 25 ml प्रोडक्ट मिल रहा है 650 to 700 के बीच में. तो बात करें कंपैरिजन की तो ये आपको ज़्यादा चीप मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस. अब हम इसकी बात करते हैं पैकेजिंग की. ये अगेन स्क्वीजी फॉर्म में इसकी पैकेजिंग आती है. सी इस तरीके से आप प्रोडक्ट को स्क्वीज कर सकते हो. आप देख सकते हैं इस तरीके की फॉर्मुलेशन है इस प्रोडक्ट की. सी इट गिव्स अ ब्यूटीफुल ग्लो
पीची काइंड ऑफ शेड है, नूडिश पीचिश काइंड ऑफ शेड है ये, और ये बहुत अच्छा लगेगा. मुझे तो लगता है ये सब स्किन्स पे अच्छा लगेगा. ज्यादा फेयर वाले लोग नहीं इसको यूज कर सकते हैं, बट पेल मीडियम या थोड़े डार्क स्किन वाले लोग हैं वो इस शेड को जरूर यूज कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस शेड. ये है मैक का, इसको मैं यहां पे लगाऊंगी. ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. सी, अब हम बात करते हैं इस शेड की. सी, दिस इज पिंक लाइट. How gorgeous this shade is. Okay, now let's talk की skin पे कैसा लगता है. Guys, ये जो shade है जिसका नाम है Pink Light from MAC, ये जब आप इसको लगा सकते हो underneath your foundation, you can also mix it with your daily cream के साथ भी mix कर सकते हो, and it will provide you very very beautiful skin. And ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने face पे कोई strobing cream लगाई है when you mix this. It gives a very very natural finish. I love this product. You can see, आप खुद से ही देख सकते हो कितना flawless, कितना natural लग रहा है. और compare करें हम इसके साथ, ये इतना natural नहीं लग रहा. जब आप MAC की cream लगाओगे कोई भी notice नहीं करेगा कि आपने कोई strobing cream लगाई है, but जब आप Maybelline की strobing cream लगाओगे definitely people will see a difference on your skin कि आपने कोई ना कोई product तो जरूर लगाया है to illuminate your skin. पहली बात. सेकेंड बात कि इस प्रोडक्ट के अंदर, जैसे अगर आप, मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई भी शिमरी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे. और इस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप क्लोजअप देखें, बिल्कुल टाइनीएस्ट अमाउंट, बिल्कुल छोटू सा अमाउंट, बिल्कुल हल्का फुल्का अमाउंट आपको शिमर पार्टिकल्स का दिखेगा. बट जब मैंने इसके ऊपर लेयरिंग की, फाउंडेशन की, कंसीलर की, पाउडर की, तो बहुत अच्छे से मेरे फेस पे वो सेट हो गया और बिल्कुल भी पीक नहीं हो रहा था मेरी फाउंडेशन के ऊपर कि मैंने कोई स्ट्रोबिंग क्रीम लगाई है जिसके अंदर शिमर पार्टिकल्स हैं. तो बात करते हैं कि इसकी ब्लेंडेबिलिटी कैसी है. ब्लेंडेबिलिटी इसकी बहुत ही ज्यादा सीमलेस है. आप देखेंगे ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है. ये भी जब आप इसको फाउंडेशन के नीचे लगाएंगे बहुत ही सीमलेसली ये ब्लेंड कर देगा विदाउट मेकिंग योर स्किन लुक पैची. फोर्थ बात करते हैं हम इसकी. मैंने इस स्ट्रोबिंग क्रीम को लगाया था अपनी फाउंडेशन के भी ऊपर, इसको भी लगाया ऑन माई फाउंडेशन के ऊपर, और सच बताऊं मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा ऑन द टॉप ऑफ माई फाउंडेशन एज कंपेयर टू दिस. एंड ये थोड़ा सा हल्का सा मूव कर देगा प्रोडक्ट जब आप इसको अपने फाउंडेशन के ऊपर लगाएंगे, हल्का सा मूव कर देगा ये आपकी फाउंडेशन के ऊपर, बट ये नहीं किया. इसको मैंने जैसे ही अपने स्किन में ब्लेंड किया, इट ब्लेंडेड लाइक अ मैजिक. बहुत सुंदर, बहुत सीमलेसली ब्लेंड किया विदाउट मूविंग माई फाउंडेशन. सो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है बिफोर बाइंग इट. और जब मैंने इसके ऊपर लेयर किया पाउडर प्रोडक्ट्स, यू कैन सी द रिजल्ट बाय योरसेल्फ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड रियली इट लुक्स गुड. दिस साइड लुक्स मोर नेचुरल. ओके, माय काइंड ऑफ साइड. दिस साइड लुक्स कि हाँ, मैंने थोड़ी मेहनत की है अपने स्किन के ऊपर और मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज, कुछ ना कुछ तो यूज किया है मैंने. दोनों ही मेरे लिए विन विन है. मुझे मैक स्ट्रोब क्रीम नेचुरल फिनिश के लिए बहुत अच्छी लगी है और ये वाली क्रीम भी मेरे को बहुत अच्छी लगी है. और दोनों प्रोडक्ट्स को मैं यूज कर सकती हूँ बोथ वेज, अंडर माई फाउंडेशन एंड अबव माई फाउंडेशन. सो मेरे लिए ये दोनों ही विन विन है. अगर आप मेरा ओपिनियन ले तो आप कोई भी इनमें से बाय कर सकते हो. आपको अगर नेचुरल फिनिश चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर मैक स्ट्रोब क्रीम. इट्स ब्यूटीफुल. वन हो जिसको शिमर पार्टिकल से इतना कोई परहेज नहीं है, यू कैन गो फॉर इट. बट आई विल नॉट रिकमेंड यू गाइज टू यूज दिस क्रीम विद योर क्रीम्स, और लाइक जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं ना विद मॉइस्चराइजर्स, इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको मॉइस्चराइजर के साथ यूज करो. आप इसको यूज कर सकते हो अंडर नीथ योर फाउंडेशन और अबव योर फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो, बट डोंट मिक्स इट विद योर क्रीम्स क्योंकि वो आपको नेचुरल लुक नहीं प्रोवाइड करेगा. बट ये चीज आपको ऑल इन वन प्रोवाइड करेगी. आप इसको भी अपनी बॉडी को एज अ ब्रॉन्जी लुक देने के लिए यूज कर सकते हो. इट विल provide you a good glow. So it's your choice. Whatever you feel like buying, just buy, but buy a good strobing cream. So my recommendation is that both of these are good.
आई लाइक इट. इफ यू फाइंड दिस वीडियो ऑनेस्ट, आपको लगे कि मैंने इन प्रोडक्ट्स को लेके अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, तो प्लीज मुझे जरूर बताना. एंड आपके दिमाग में कोई भी वीडियो सजेशन हो तो डू लेट मी नो, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हेयर ऑन द स्क्रीन. येस, Monica_Manhas, प्लीज फॉलो मी देयर. और मैं कुछ ना कुछ, आजकल मैंने अपने चैनल पे काफ़ी हद तक यू नो 1 मिनट वीडियोज शेयर कर रही हूँ, स्टाइलिंग वीडियोज या मेकअप रिलेटेड वीडियोज शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करना. आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलती रहेगी वहाँ पे भी, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो. तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में. टिल देन यू स्टे हैप्पी, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, एंड आई लव यू ऑल सो मच. यू गाइज आर, आई लव यू, बाय.